देख लो साहब उस गल का फायदा नहीं ये तो मतलब सारी दुखी करना तुस थाने क्यों नहीं आए कंप्लेंट लेके थाने क्यों नहीं आए हाँ जी बैठा हुआ मेरा आहो कमरा दिखाई डॉक्टर मोहम्मद शफीक हाँ एक डेड बॉडी जो है जिसका नाम है कुलवीर सिंह करके जो है वो गगनदीप सिंह सन ऑफ कुलवीर सिंह ठीक है ना तो वो डेड बॉडी लाई थी हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए उसका आज जो है पोस्टमार्टम हमने करा है ठीक है ना तो ये दरा दुनिया पुंज के जो है इनकी जो है रेजिडेंस है तो इनकी जो शिनाख्त करके हुए गगनदीप सिंह नाम से है तो इनको जो है दाएं तरफ छाती में गोली लगी हुई थी तो उसका हमने पोस्टमार्टम किया है पोस्टमार्टम करने के बाद उसके हमने स्पेसिमिन भी हम लिए हैं जो FSL रिपोर्ट के लिए भी हमने भेजे हैं इसकी रिपोर्ट जो है वो जो FSL लैब से आएगी तो इसका फाइनल हम जो है उसको जो है रिपोर्ट बना के कंपाइल करके दे देंगे हुआ क्योंकि रात को 12 बजे पता चला हमें भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी पता चला कि अभी ऐसी चीज़ वहाँ पर कोई फायर हुए तो हमने पुलिस से कन्वे किया पुलिस वहाँ पर पहुँच गई बड़ी नफरी की नफरी के बाद रात को 1:30 बजे पता चला कि डेड बॉडी लड़का गगनदीप सिंह जो है उसकी वो उसकी डेथ हो गई उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है तो पुलिस वहाँ पर गई उसे रिकवर की बॉडी तो बॉडी को यहाँ पर लाया गया को शाम सुबह 3-4 बजे तो मेरे ख्याल इस वक्त तक हम उनके घर भी गए थे देखा उनमें क्या भाई किस तरीके से तो ये एक महसूस हुआ कि घरेलू थोड़ा सा मसला था जिसमें कोई आपस में बना तो
उसमें कोई फायर कैसे होगा क्या नहीं होगा ये पता चलेगा। तो मेरे ख्याल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आज पोस्टमार्टम जो हो चुका है इस वक्त, उसके बाद घर भेजेंगे तो मेरे ख्याल में पता चल जाएगा। पुलिस कर रही है। हाँ, दो आदमी ने अरेस्ट किए, इनके बिल्कुल नेबर हैं और इनके रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेशन हैं उनका, तो वो उनकी है, तो देखेंगे क्या कर रही है पुलिस। इसके बाद तो बैठेंगे, अभी तो हमें पूरा भी नहीं पता चला। रात को डेड बॉडी यहाँ पर आए थे, उनके घर गए थे, तो कुछ कहना नहीं कह सकते। तो जब दो आदमी लाए उन्होंने, तो वो पुलिस स्टेशन में, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन। उसका नाम गगनदीप सिंह, सन ऑफ कुलबीर सिंह, जिसकी डेथ हुई है। तो अभी मारने वाले को तो देख रहे हैं किसने क्या किया, कि कौन कौन सा अरे रात को 11:30 के बीच के टाइम की बात है। ये चाचा जी थे, वो उन्होंने आवाज़ लगाई भाई को, गगनदीप सिंह को, तो बुलाया और गगनदीप सिंह गया, उनके घर की तरफ जाने लगा, पीछे में भी गया और घर में पीछे मदर मेरे भी, मेरी सिस्टर सभी आ गए। आने के बाद उधर चाचे ने क्या किया, दरवाजे से खिड़की से गगन ने आवाज़ मारी, चाचा बुलाया, चाचा वो अंदर से गाली निकालने लगा। तो बोला, गगन ने बोला क्या बात होगी, बस बोला तेरे को गोली मार दूंगा, ये करूंगा, बहसने शुरू किया। हमने पकड़ा गगन, चल यार रहने दे छोड़। तो बस उसने एक फायर किया गगन को, उसके इधर लग गया, चेस्ट में लगा, दूसरा मेरे पे किया, मैं साइड हो गया। उसके बेटे ने और उन दोनों ने मिलके मतलब फायरिंग की, और एक उसका जो बेटा है सवनीत सिंह और दूसरा उसका जो साला है रघुवंश सिंह मुन्ना, वो दोनों को पीछे वाले गेट से भगा दिया। तो जब वो भागे, हमने देखे भागते, तो हमने क्या किया उसी वक्त ही तुरंत दरवाज़ा, उस दरवाजे को बाहर से गेट को भी कुंडी लगा ली और उस दरवाजे को भी। फिर हमने वापस पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस बुलाई, उनको जब तक पुलिस नहीं पहुँचती अब तब तक उनको गेट से बाहर नहीं जाने दिया, तब तक अंदर ही रोक के रखा। तो ब्रदर की जो डेथ है उधर मौके पर ही हो गई थी उसी वक्त। अभी क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर, जल्द से जल्द जो सवनीत और रघुवंश सिंह जो हैं, जो फरार हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए सर, उनको फांसी की सजा दी जाए सर। बेगुनाह बंदा मारा है घर से बुला के, क्या पता नहीं इनकी क्या साजिश थी, कोई दुश्मनी भी नहीं थी उसके साथ। तो क्या लगता है, क्या डिस्प्यूट क्या था आपस में? कुछ नहीं सर, घरेलू ऐसे कुछ नॉर्मल बात थी, घरेलू कुछ झगड़ा था कोई बस।